मो और जो बेकरी की दुकान में जाते हैं। मो को जिंजर ब्रेड की खुशबू पसंद आती है। उस जिंजर ब्रेड को देखो मो, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। इसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है। हाँ, सच में ये बेहद स्वादिष्ट है। क्या आपको ये चाहिए? हाँ जरूर मो, क्या तुम मेरे लिए खरीदोगी? मेरे पास तुम्हारे लिए खास किस्म की ब्रेड है, चख के तो देखो। मेरे पास जिंजर ब्रेड का आटा है, तो फिर मेरे लिए ब्रेड बना दो। आओ दोनों मिलकर बनाते हैं। दोनों माँ बेटे ने साथ मिलकर एक जिंजर ब्रेड की शक्ल में आदमी बनाया और उसको किशमिश की आंखें लगाई, चेरी की नाक बनाई और सेब के टुकड़े से मुंह बनाया। माँ ने आदमी की शक्ल में बनाई जिंजर ब्रेड को ओवन में रख दिया। जैसे ही महिला पलटी, ओवन का दरवाजा अपने आप खुल गया और जिंजर ब्रेड वाला आदमी ओवन से बाहर कूद गया। अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ो। यहाँ ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता जो, पर चलो उसे पकड़ते हैं। जिंजर ब्रेड मैन सबको चिढ़ाता हुआ तेज रफ्तार से भागने लगता है। और पूरा परिवार उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन वो उस तक पहुंच भी नहीं पाते। भागते भागते रास्ते में एक सुअर मिलता है। वो उससे बोलता है, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ो। ये सुनकर सुअर भी उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन वो भी उसे नहीं पकड़ पाता। भागते भागते वो एक गाय के पास पहुंचा और बोला, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ो। उसकी बात सुनकर गाय भी उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी गाय उसे नहीं पकड़ पाती। लेकिन गाय हार नहीं मानती, वो भी बाकी लोगों के साथ जिंजर ब्रेड मैन के पीछे भागती रहती है। भागते भागते अब वो एक घोड़े से मिला और बोला, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ो। ये सुनकर घोड़ा भी उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते जिंजर ब्रेड मैन एक नदी के किनारे पहुंचता है और सोचता है कि इस नदी को कैसे पार करूं। तभी वहां एक लोमड़ी आती है। तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगी। अच्छा, धन्यवाद। इसके बाद जिंजर ब्रेड मैन उसकी पूंछ पर लटक जाता है और लोमड़ी नदी में उतर जाती है। जैसे जैसे लोमड़ी आगे बढ़ती है, उसकी पूंछ पानी में डूबने लगती है। मैं यहाँ भीग रहा हूँ। आह, ये नदी बहुत गहरी है, तुम कूद कर मेरी पीठ पर आ जाओ। ठीक है, शुक्रिया। जिंजर ब्रेड मैन लोमड़ी की पीठ पर कूद कर बैठ जाता है, लेकिन जैसे जैसे लोमड़ी आगे बढ़ती है, उसकी पीठ भी डूबने लगती है। मैं यहाँ पर भी भीग रहा हूँ, अगर मैं भीग गया तो मैं मर जाऊंगा। मुझे माफ कर दो, नदी गहरी होती जा रही है, तुम सुरक्षित रहोगे, मेरी नाक पर बैठ जाओ। ठीक है, आता हूँ। अपनी जान बचाने के लिए जिंजर ब्रेड मैन लोमड़ी की नाक पर बैठ जाता है। जैसे ही जिंजर ब्रेड मैन लोमड़ी की नाक पर बैठता है, लोमड़ी उसको हवा में उछाल देती है। जैसे ही ब्रेड मैन नीचे आता है, वो मुंह खोल कर खा जाती है। मो, ये सब क्या था?
मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से हमें ये ब्रेड नहीं खानी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, चलो घर चलें।